लेट्स टॉकिंग अबाउट द बाइनरी एडिशन। अब हम बात करते हैं बेटा बाइनरी एडिशन के। बाइनरी एडिशन में क्या होता है बेटा कि जिस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स में एडिशन को करते हैं उसी तरह से सेम हम यहां पर भी करते हैं, लेकिन यहां कुछ थोड़े से रूल इसमें चेंज हो जाते हैं। और वो रूल क्या है बेटा, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। जब आप बाइनरी कोड्स को ऐड करते हैं तो वहां पर आपको कुछ बातें बेटा याद रखनी होती है कि क्या 0+0 जब आप करते हैं तो वहां पर आपके पास में 0 मिलता है, 0+1 जब आप करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, 1+0 करेंगे तो 1 आएगा, 1+1 करेंगे तो आपके पास में 10 आएगा। बेटा यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप इसे 10 नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट 10, दिस इज 1 और 0, बिकॉज बाइनरी कोड्स इज ऑल बाइनरी कोड्स इज ओनली 2, 0 एंड 1। बाइनरी में जब आप बात करते हैं तो सिर्फ वहां पर 2 टाइप्स के कोड पड़ते हैं बेटा, एक तो 0 और 1। तो आपका जो आंसर आएगा बाइनरी में हमेशा 1 और 2 में ही आएगा, सॉरी 1 और 0 में ही आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास कुछ ही एडिशन के रूल्स हैं बेटा, ये आपको याद रखने हैं, और इन्हीं रूल्स को लगाते हुए देखते हैं कि हम इस एग्जांपल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। एग्जांपल आपके पास दिया बेटा 1 0 1 0 1 + 0 0 1 1 1, ठीक है ना। चलिए हम इसको देखते हैं, सोल्व करके देखते हैं कि कैसे सोल्व होगा, ये किस तरह से हम इसमें रूल लगाएंगे। इसको एज इट इज यहां पर कॉपी कर लो बेटा, 1 0 1 0 1, या हम इसको थोड़ा सा स्पेस देके लिखेंगे 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1। आपको इसको ऐड करना है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द रूल 1+1 इज इक्वल टू 10। मैं इसको साइड में यहां पे इसलिए लिख रहा हूं बेटा कि हमें इसका यूज करना है। देखिए जब आप 1+1 करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 का सिर्फ आप 0 लेंगे और ये जो 1 होगा वो यहां पे कैरी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे 0 नहीं है, अब यहां पे 1 है, तो 1+1 करेंगे फिर 0 आएगा, फिर 10 आएगा, तो 10 का फिर आपने 0 लिया, 1 फिर यहां से रह गया। अब आप इस 1 को इसमें कैरी करोगे, समझ में आता है। अब बड़े ध्यान से देखेगा, अब यहां पे 1 है और 1+1 करेंगे तो 10 मिलेगा, और 10 में इस 0 में बेटा इस 1 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास में जब आप 0 में 1 को ऐड करते तो आपके पास 1 आता है। अब आप कहेंगे सर ये इसका कैरी भी तो है, उस कैरी को भूल जाइए, जैसे आपने 0 में 1 को ऐड किया तो यहां पर ये पूरा सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है ना। अब आपके पास क्या आएगा बेटा, अब देखेगा ध्यान से, अब आपके पास ये 1 बचा है, क्योंकि आपने किया ना 1+1 10 बना, 10+1 आपके पास में अभी यहां पर ये रह रहा है, तो ये यहां पर कैरी होगी, इस पर आ जाएगा। अब ये 1 जो है वो यहां पे आ गया, जब आप 0+1 करेंगे तो आपके पास में 1 आएगा, और 1+0 करेंगे तो यहां पर भी आपके पास 1 आएगा, अंडरस्टैंड। तो जब आप इसको करेंगे तो 1 0 1 0 + 0 0 1 1 1 इज इक्वल टू, यहां पे बनेगा आपके पास बेटा 1 1 1 0 0, ये आपका बेटा आंसर होगा, ठीक है ना। समझ में आए कैसे कि हमने इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए बेटा, जब आप 1+1 करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 आएगा, 1 यहां पे कैरी हुआ, ये 1 कैरी हो गया, यहां पर दूसरी 0 में ऐड हो जाएगा, यहां पे कैरी हो जाएगा। जब आप 1+1 करेंगे तो फिर आपके पास में 10 बनेगा, ये 10 फिर बना, ये 0 को हमने यहां पे 0 लिया, ये 1 जो था वो यहां से उठ के इसके पास आ गया। 1+1 करेंगे तो फिर 10 बनेगा, और 10 का हम 0 लेंगे, 0+1 करेंगे तो 1 आएगा, और इसका जो 1 था 10 का ये भी कैरी हो रहा है, इसको उठा के फिर हम वो यहां पे आ जाएगा। जब वो यहां पे आएगा तो 1+0 1 आएगा, और 1+0 फिर आपके पास 1 आएगा। तो इस तरह से आप इसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना, ये बात समझ में आती है आपको। अब देखिए जितने भी इस टाइप के एग्जांपल्स होंगे जो आपको एडिशन में देगा, वो चाहे कितना भी बड़ा नंबर दे दे, उसे आप ऐड करने के लिए इन रूल्स का यूज करेंगे, इनको सबसे पहले इनको याद रखेंगे, और उसके बाद जैसे हमने स्टेप टू स्टेप इसको लिया है, इस तरह से आप इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। देखो मैंने इसको कैरी किया तो यहां पर बनाया, यहां से फिर कैरी किया तो यहां पर भी आपके पास 1 लिया, और यहां से फिर कैरी किया तो यहां पर भी आपके पास 1 लिया। ये मैंने ऊपर आपको रिमार्क करके दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके पास में ये वैल्यू कैसे आई है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब चलिए अब हम इसका सब्ट्रैक्शन को देखेंगे, सब्ट्रैक्ट हम इसको कैसे करेंगे।
लेट्स टॉकिंग अबाउट बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अभी हमने बाइनरी एडिशन के बारे में बात किया है और अभी हम बात करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है आपको घटाना, ठीक है ना। जब आप सब्ट्रैक्शन की बात करते हो तो सब्ट्रैक्शन के भी यहां पर कुछ रूल्स है बेटा। जैसे हमने बाइनरी एडिशन के रूल्स के बारे में डिस्कस किया, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपके पास सब्ट्रैक्शन के भी कुछ रूल्स है जो आपको लर्न करने और आपको उसको देखना है बड़े अच्छे से। जब आप 0 माइनस 0 करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, जब आप 1 माइनस 0 करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, जब आप 1 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, एंड जब आप 0 माइनस 1 करते हैं तो आपके पास 1 आता है। ये कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन सब में बिल्कुल सेम ऐसे कुछ रूल्स होंगे जिन्हें हमें फॉलो करना है और फॉलो करते करते हमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप एक एग्जांपल को देखते हैं कि आप किस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको एग्जांपल दिया बेटा 1100100001 माइनस करना है 0110010। तो चलिए आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप कैसे करेंगे इसको वो देखते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे आप इसको पहले लिखेंगे जैसे आप लिखते हैं नॉर्मल, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस फॉर्म में आप इसको लिखेंगे। ये आ गया आपके पास, ठीक है ना, 1100001। अब इसको आप इसके नीचे लिखेंगे बेटा। तो जब आप इसको इसके नीचे लिखेंगे सबसे पहले इसके डिजिट्स को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम है तो आप सबके नीचे आराम से आ जाएगा 0 1 1 0 0 1 1 और ये आपके पास 0। जब आप इसे माइनस करेंगे, देखिए बेटा बड़े ध्यान से देखिएगा, जब आप 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा, अंडरस्टैंड। जब आप 0 में से 1 को करेंगे तो यहां पर आपके पास कैसे 1 बचेगा, उस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिएगा यहां पर 0 है तो 0 में से आप 1 को माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज 0 इज द लोवेस्ट वैल्यू एंड 1 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है ना। तो यहां पर आपको एक चीज को ध्यान में रखना है बेटा, ये इससे 1 से ये छोटा है, तो क्या करेंगे, यहां से 1 को बोरो करेंगे, यहां पर ये आपके पास 1 0 हो गया, यहां से बोरो करेंगे 1 को तो यहां आपके पास में 1 0 आ जाएगा। 1 0 का मतलब आप एक बार ध्यान रखिएगा बेटा, 1 0 का मतलब होता है 2। 1 0 को बाइनरी में जब आप देखते हैं तो बाइनरी में सब्ट्रैक्शन में जब आप 1 0 जहां पर भी बनेगा तो वहां पे 2 होगा, वो आप उसकी वैल्यू को 2 लेंगे, तो जब आप यहां पे 2 बनेगा तो 2 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब देखो फिर यहां पे 0 हो गया, 1 तो गायब हो गया था यहां से, फिर यहां पे 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इस 1 को हमने सीधा डायरेक्टली यहां पर बोरो किया तो 1 0 हो गया। जब 1 0 होगा तो यहां पर भी आपके पास 2 बनेगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहां पे आपके पास 0 0 माइनस 0 करेंगे तो ये आपके पास 0 आएगा, 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आएगा। अब यहां पे 0 है लेकिन यहां पे 1 है, तो करना क्या होगा बेटा, यहां से 1 को सीधा डायरेक्टली इसमें बोरो करेंगे तो यहां आपके पास में यहां पे फिर 1 0 बनेगा, 1 0 का मतलब 2 बनेगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, और यहां आपके पास 0 बना होगा क्योंकि यहां से तो उठा लिया हमने, तो जब आप 0 माइनस 1 करेंगे तो डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ये आएगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 0 1 1 0 0 1 1 1, और बेस इसका आपके पास 2 रहेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे अगर आप इनको बड़े ध्यान से समझ सकते हैं। अगर आप इसको अभी बड़े ध्यान से समझ रहे होंगे तो डेफिनेटली मैं आपको कहता हूं कि आप सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो या फिर बाइनरी टू डेसिमल हो, डेसिमल टू बाइनरी हो, कंप्यूटर में नंबर सिस्टम में 1-1 मार्क्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा ये, कि जो हम इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं इस समय बाइनरी कोड में, ये बहुत आता है, सब्ट्रैक्शन आ सकता है, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, कुछ भी आ जाएगा। अगर आपको ये बेसिक आपको क्लियर हो गया तो आप इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप उसे इजिली कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन और डिविजन हमारा वो रह जाता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं।